और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में आज पुनः है आप लोगों के सामने। देखिए, कल आप लोगों का पेपर है हिंदी कंपलसरी का। इसके अंदर जो आपके एक्सीलेंट में अन्य चार महत्वपूर्ण मॉडल पेपर दिए गए हैं उसके हल हैं इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ की भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसका कोड भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए, जो सबसे पहला है आपके पास में, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी लेकिन इसके आंसर्स मैं बता रही हूँ। जो आपके पास में सेक्शन ए में पहला आया है आपके पास में पैसेज गद्यांश अपठित गद्यांश, इसके अंदर जीवन का दूसरा नाम संग्राम है, क्योंकि मानव को जीवन जीने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इसका आंसर राइट ये है, मनुष्य अशांत और तनावग्रस्त रहता है, वह अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ये आंसर आ गया आपके पास में। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, उसके अंदर हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। जो आपके पास में पहला मॉडल पेपर चल रहा है बच्चों ये, ठीक है, तो इसके अंदर हम तीसरे में चल रहे हैं। तीसरे का जो आपके आंसर्स लगे हुए, देखिए, अंत में जीत किसकी होती है, सत्य और न्याय की। साकार शब्द का विपरीतार्थक निराकार यानी कि विलोम शब्द। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है जीवन संग्राम। हमारे पूर्वजों ने अपना विश्वास प्रकट किया था सत्यमेव जयतेपि। दूसरा है आपके पास में अपठित पद्यांश, अनसीन पद्यांश है स्टैंजा। देखिए, सामने कोहरा घना रेखांकित शब्द से तात्पर्य हताशा और निराशा। काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। शक्ति भर जीवन जीने का दीपक और अमावस्या यहाँ पर प्रतीक है। आशा और गहन निराशा के हर रात अमावस बनाए बैठे हैं। रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अमावस्या। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दीपक की जिजीविषा। पूर्णिमा का विलोम शब्द है अमावस। अब देखिए आपके पास में खालिस्तान आते हैं। भाषा के उस रूप को बोली कहा जाता है जो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। आपके पास में सेकंड जो है खालिस्तान, इसके अंदर देखिए लिपि चिन्हों के माध्यम से, यहाँ पर आएगा आपके पास में लिपि, ठीक है। लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दिए जाने पर ध्वनि संकेतों संकेत लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। फिर वह सुख के कंटक शयन में विकल थी वाक्य में शब्द शक्ति है। यहाँ पर व्यंजना, यहाँ पर आएगी आपके पास में व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द में निहित जिस शक्ति से शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अभिधा कहते हैं, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे अभिधा। फिर आता है आपके पास में अगला क्वेश्चन, चलते हैं। छोटी है गोटी है चोटी है हीर की काव्य पंक्ति में अलंकार, यहाँ पर मैं क्लियर नहीं थी इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तरना तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर भयुछाए, देखते ही पता चलता है पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पर इसलिए अनुप्रास अलंकार है। किसी पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए, जो आपके पास में थर्ड नंबर एक एक नंबर के क्वेश्चन चलते हैं, जोनल का है आपके पास में आंचलिक। जोनल आप कहते हैं आंचलिक को, वेयर हाउस है आपके पास में गोदाम, ठीक है। उद्घोषणा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। उद्घोषणा शब्द के लिए आप लिखेंगे प्रोक्लेमिनेशन, PRO, यहाँ पर आपको मैं करके स्पेलिंग बता देती हूँ, PROCLAMATION, ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रोक्लेमिनेशन। फिर आता है आपके पास में उद्घोषणा का आ गया प्रोक्लेमिनेशन। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। आलेख लेखन से आप क्या समझते हैं, देखिए आलेख लेखन से आप क्या समझते हैं इसका बताती हूँ। आलेख लेखन प्रामाणिक आंकड़ों के साथ पूरी गंभीरता से विषय को सामाजिक दृष्टि से विचार परक अभिव्यंजना करना, अभिव्यक्त करना होता है, यानी कि किसी भी विषय को प्राथमिक आंकड़ों के साथ में, उसके प्राथमिक आंकड़े आपके पास में होने चाहिए, पूरी गंभीरता से विषय को, जिस भी विषय के ऊपर आप लिखना है उसके ऊपर पूरी गंभीरता से विचार होना चाहिए, उसके बाद में सामाजिक दृष्टि से विश्वास परक अभिव्यक्ति करना कहलाता है आलेख लेखन। उसके बाद में आता है वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक आनंद यादव के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो बहुत से परिवर्तन हुए, उसमें से कुछ परिवर्तन आपको लिखने हैं। एक दो यहाँ पर देखिए, एक तो वो पढ़ने लगा, पढ़ाई में होशियार हो गया, गणित के सवाल बहुत अपने आप हल करने लगा। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे, तो वो साधारण जीवन के पक्षधर थे और पुरानी परंपराओं के पक्षधर थे। जूझ का नायक पढ़ाई क्यों करना चाहता था, क्योंकि वो जूझ का नायक पढ़ाई इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो पढ़ने लिखने के बाद में किसान यानी खेती बाड़ी के अतिरिक्त वो अपने लिए जीविकोपार्जन के कुछ अन्य उपाय करना चाहता था, ठीक है ना, यानी कि नौकरी वगैरह वो करना चाहता था जूझ का। फिर आता है यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती हैं, बच्चों का साथ देती हैं। फिर जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है, जूझ कहानी से लेखक की संघर्षमय व लगन की प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है। हरिवंश राय बच्चन की दो रचनाओं के नाम, एक आपको बहुत पॉपुलर नाम है मधुशाला, फिर है एक नीड का निर्माण।
महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ 1907 में फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। बड़े क्वेश्चंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ इसके अंदर के। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आप स्लेट पर खड़िया लाल खड़िया मलदी हो, ठीक है। एक सातवां, एक आठवां, बाजार दर्शन पहलवान की ढोलक, ये वाला दसवां क्वेश्चन, फिर आपके पास में ग्यारहवां क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। इसके अलावा मैं आपको आगे जल्दी ही बताती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन, मतलब जो आपको व्याख्याएं तैयार करनी है गद्य में और पद्य में, कौन कौन से पाठों की करनी है, बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी, लेकिन दो से तीन पाठ ही बताऊँगी पद्य में, और दो से तीन पाठ ही बताऊँगी मैं आपको गद्य में। इन पाठों की व्याख्या आप कर लेंगे तो आपकी व्याख्या भी अटेंड हो जाएगी, पूरी किताब की व्याख्या आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे। अब चलिए हम चलते हैं आपके पास में। देखिए, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट निबंध भी बताते हैं। इम्पॉर्टेंट निबंध में आप राजस्थान में लोक देवताओं का महत्व ये जरूर से कहिएगा इसमें, ठीक है। फिर चलिए हम सेकेंड मॉडल पेपर में चलते हैं। सेकेंड मॉडल पेपर में आपके पास में जो पहला आता है इसके अंदर, देखिए, अपने आप को बहुत आधुनिक मानने वाले भारतीय की विशेषता है कि वह पुरातन पंथी भी और अत्याधुनिक भी। विश्वासों और मान्यताओं के घालमेल का तात्पर्य है एक ही व्यक्ति का अत्याधुनिक और पुरातन पंथी होना। भारत के लिए गौरव की बात है परिवार और पड़ोसी में अपनेपन के संबंध। निश्चल शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, इसकी प्रयुक्त संधि का नाम यहाँ पर आएगी विसर्ग संधि। फिर गद्यांश का उचित शीर्षक, भारत की विशेषता अनेकता में एकता, निश्चल पारिवारिक स्नेह, पड़ोसियों का आत्मीय व्यवहार दिखाई देता है भारत में। फिर आता है कवि का आराध्य और देवालय क्या है, यहाँ पर आंसर है आपके पास में मानव और घर। यहाँ पर आंसर है आपके पास में क्या है, मानव और घर। तो इसका आंसर आप लगाएंगे मानव घर, ठीक है। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, पंक्ति का भावार्थ है, स आएगा आपके पास में अपनी प्रसन्नता खुशी में, दलित वर्ग का साथ है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, पद्यांश का अंतिम पंक्ति किस अर्थ आर्य वचन के लिए प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी हमारा घर है, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। इसमें अलंकार कौन सा है, विषमता का विष, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा अनुप्रास कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए, यहाँ पर आपके पास में आएगा मानवता पर गर्व। फिर आएगा कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है, कवि संसार को जी और जीनो दो सिखाना चाहता है। फिर हम चलते हैं इसके अंदर, देखिए, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति, संदर्भ, व्यक्ति व स्थिति के अनुसार शब्द का कल्पना आधारित अर्थ निकलता था जो अभिधेय अर्थ और लक्षार्थ से परे हो, वहां होती है व्यंजना शब्द शक्ति। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तना तवानन की समता इच्छा से। काव्य पंक्ति में अलंकार यहाँ पर आएगा आपके पास में उपमा अलंकार, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हल्दर के प्रिय है सदा केशव, और यहाँ पर दो अर्थ, हल्दर शब्द दो अर्थ प्रयुक्त करता है इसलिए यहाँ पर होता है श्लेष अलंकार, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। फिर आता है आपके पास में पारिभाषिक शब्दावली, मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, बच्चों मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। पेटेंट का मतलब आप पेटेंट भी बोल सकते हो, लाइसेंस भी बोल सकते हो, और अगर हिंदी में हम इसका प्योर शब्द लें तो आप बोलेंगे एकस्व। वसीय शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है टेस्टामेंट, इसको आप लिखेंगे वसीय शब्द के लिए टेस्टामेंट, TESTAMENT, ठीक है, टेस्टामेंट। लेखक ने सीरीज की फुल की तुलना किससे की है, तो सन्यासी से की है, जिसमें आप कबीर गांधी को ले सकते हैं। फीचर किन विषयों पर लिखे जाते हैं, तो फीचर आप लिखेंगे व्यापार पे, व्यापार है आपके पास में, खेलकूद है, और वाणिज्य आ जाता है, उद्योग आ जाता है, और राजनीति आ जाता है, इन सब के ऊपर फीचर लिख सकते हैं। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा था, तो यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, और उन सभी के बीच में वैचारिक अंतराल था।
जूझ का लेखक एक जुझारू योद्धा की तरह संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है, आप इससे कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल पूर्णतया सहमत है। तो इसका आपको पूरा आंसर लिखना है, जूझ का लेखक एक जुझारू योद्धा की तरह संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है, हम इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? 1500 रुपए। यहाँ पर आपको लिखना है 1500 रुपए की, ठीक है। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक आनंद यादव को कितने घंटे पशु चराने होते थे? 1 घंटा। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? बच्चों का। आलोक धनवा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम है? ये है आपके पास में भागी हुई लड़कियां और भ्रूणों की बेटियां। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ 1921 में ओराही हिंगना गांव में, बिहार गांव में हुआ था। अब ये देखिए आपके पास में 2-2 नंबर के क्वेश्चन और खंड स में 3-3 नंबर के क्वेश्चन, जिनमें आपके पास में करूँ परिचय भी आएगा, कवि परिचय भी। सेक्शन डी में आपके पास में व्याख्याएं आ जाएंगी, 2 व्याख्या आपके पास में गद्यांश आएगा, 2 व्याख्या आपके पास में पद्यांश आएगा। आपके पास में फिर आता है ये देखिए, ये एक तो आतंकवाद की विश्वव्यापी समस्या, इसको जरूर करिएगा, बढ़ते बेरोजगार और घटते रोजगार, एक इस निबंध को जरूर से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे वाले भी, उसमें देखिए आपके पास में 3rd नंबर मॉडल पेपर में, 3रे मॉडल पेपर में हम चलते हैं। 3रे मॉडल पेपर का आप चलेंगे, तो देखिए 3rd मॉडल पेपर में सबसे पहला जो आपके पास में क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है आपके पास में भारत के संसाधन, भारत की मूल शक्ति क्या है? तो भारत की मूल शक्ति है आपके पास में अनाज, ठीक है। फिर हम चलते हैं, भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। क्या है औद्योगिक परिकल्पना का आधार? प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में अ। फिर हमारे पास में क्या क्या हैं? हमारे पास में उपयुक्त सभी कुछ है, विविध प्रकार के जीव भी हैं, उष्णकटिबंधीय हरियाली भी है, कृषि योग्य जलवायु व अच्छी वर्षा भी है। संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको, सन, ठीक है। ये हो गया आपके पास में भारत का जैव विविध कैसा है? बहुत समृद्ध है। ये हो गया आपके पास में। फिर आता है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है आपके पास में इसका पृथ्वी पर दिव्य सुख, मानवता अकर्मण्यता, ये स्वर्ग में मानव। तो ये है यहाँ पर पृथ्वी पर देवीय सुख, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं पृथ्वी पर देवीय सुख। इंद्र ने पृथ्वीवासियों को समृद्धि के लिए आदेश दिया जल के साथ रत्न वर्षा का। पृथ्वी पर धन धान्य की समृद्धि होने से पृथ्वीवासी क्या करते हैं? मानवता गंवा करके अकर्मण्य हो जाएंगे। ये हो गया आपके पास में जीवन का मूल जल ही है। सब सृष्टि का पंक्ति का भावार्थ क्या है? चौथे का आप, जल से जीवन बना है और जल से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हाँ संकोच सा था कुछ कुछ, न मैं था न मैं नया नया, तो नया नया शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कर्मण्य का विपरीतार्थक शब्द होता है अकर्मण्य, ठीक है। ये हो गया आपके पास में पैसेज। फिर आता है आपके पास में खाली स्थान, देखिए ध्वनि वर्ण शब्द पद एवं वाक्य की प्रमुख इकाइयां भाषा की, यहाँ पर आप लिखेंगे भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में खालिस्तान में भाषा लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, तो यहाँ पर आएगी आपके पास में देवनागरी लिपि उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। तिल भर ना आगे बढ़ रहे हो, वीर निश्चय ही बढ़े, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। जहाँ सीधा अर्थ ना देकर अन्य अर्थ देता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर आता है आपके पास में मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा लिख सकते हैं आप। साल वृक्ष दो अति विशाल थे, मानो प्रहरी हो वन के, तो उपमान की संभावना की गई है यहाँ पर, उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर होगा आपके पास में उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपके पास में? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर आपके पास में एक्स्ट्रोवर्ट का हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ लिखना है आपके पास में बहिर्मुखी, क्या होगा? बहिर्मुखी, ठीक है, सॉरी ये होगा बहिर्मुखी, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे डुप्लीकेट का मतलब होता है दूसरी प्रति, निर्वचन शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है इंटरप्रिटेशन, तो आप लिखेंगे INTERPRETION, इंटरप्रिटेशन।
नमक की पुड़िया भारत के ले जाने से किसने मना किया? साफिया को उसके बड़े भाई ने मना किया। आलेख किन विषयों पर लिखे जाते हैं? तो यही है व्यापार, शिक्षा, खेलकूद, वाणिज्य, उद्योग। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 25वीं। ठीक है, यहाँ पर कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है? संघर्ष। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे? 30 रुपए दिए थे। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? मराठी भाषा में। और इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका हिंदी अनुवाद किया था केशव प्रथम वीर ने। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? गुरुपुत्र। यहाँ पर है गुरुपुत्र। तो अब आपके पास में ये चलते हैं, ये देखिए आपके पास में आ जाता है गद्यांश पद्यांश, इनके आंसर्स नहीं है। अब ये देखिए आपके पास में यहाँ पर जो है जो निबंध है इनके अंदर का इम्पोर्टेंट निबंध बताती हूँ, पर्यावरण संरक्षण जीवन का मूलाधार। ठीक है, ये करना है। फिर आप चलते हैं नंबर चौथे पर। चौथे में आपके पास में देखिए जो चल रहे हैं हम चौथा नंबर मॉडल पेपर, इसके अंतर्गत आप करेंगे। देखिए जो आपके पास में पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर आपके पास में ये मैंने हल ही नहीं किया, कोई बात नहीं। चलिए अब चलते हैं इसमें पद्यांश में, कवि ने किन महापुरुषों के भावों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर आएगा आपके पास में बच्चों महात्मा गांधी, वो आप अपने आप हल कीजिएगा क्योंकि इतना शायद मैं भूल गई थी, उसको हल नहीं कर पाई। ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, इसके अंदर यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में, देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताना है? तो यहाँ पर है सुने मानव मन में आशा की उमंगे भरती, ये आंसर है इसका। किसी रचना को लिखने की कई शैलियां होती हैं, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली है? यहाँ पर आएगा आपके पास में आत्मकथा शैली, या आ गई आत्मकथा शैली। फिर उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटी है? तो मानवता के मसीहा, महात्मा गांधी, अलंघ्य। अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थक है लंघ्य, यहाँ पर आएगा लंघ्य। फिर आपके पास में खाली स्थान आ जाते हैं बच्चों, खाली स्थानों में देखिए जब उच्चरित ध्वनि संकेतों की निश्चित चिन्हों द्वारा लिख करके अंकित किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। देव की नाम मझधार में है वाक्य में। लक्षणा शब्द शक्ति है, शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा मुख्यार्थ और लक्षार्थ से भी परे का बोध ग्रहण किया जाता है, वो होती है व्यंजना। यहाँ पर विम्लांबरा रजनी वधु अभिसारी कसी जा रही काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा आपके पास में। बलिहारी निरुपकूप की गुण बिंदु न दई, यहाँ पर पंक्ति में गुण शब्द के दो अर्थ हैं इसलिए यहाँ पर अभंग श्लेष है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दो अर्थ हैं इसलिए यहाँ पर अभंग श्लेष आ जाएगा। सेंसस, सेंसस का है आपके पास में जनगणना। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन, सेंसस मतलब होता है जनगणना और ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रतिभा पलायन। फिर आता है आपके पास में विवरणिका शब्द के लिए ब्रोचर, BROCHUR, ब्रोचर। भक्तिन पाठ में किसका वर्णन किया गया है? सेविका का। भक्तिन पाठ में किसका वर्णन लेखिका ने किया है? सेविका का, जो उनके उनके घर में काम करती थी उसका। ठीक है, फीचर लेखन किन विषयों पर लिखे जाते हैं? तो फीचर लेखन है वही व्यापार है, शिक्षा है, खेलकूद, वाणिज्य, उद्योग। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? पाठशाला भेजने के लिए लेखक के दादा ने उसे क्या वचन लिए थे? एक तो ये वचन लिया था कि वह पशु चराने जाएगा और एक ये लिया था कि खेती करेगा। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी थी? दूध लेने जाना पड़ेगा, उनके बेटे ने उनको कहा था कि यही गाउन पहन करके आपको दूध लेने जाना होगा। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया? सौंदल केकर। ठीक है, इनको गुरु बनाया था। फिर यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखे थे? उन्होंने देखे थे कि वो कट स्लीव्स ब्लाउज यानी कि बिना बाजू वाले ब्लाउज पहनने लगी थी, लिपस्टिक लगाने लगी थी, अपने बालों में खिजाब लगाने लगी थी, यानी कि वो अपने बच्चों के अनुकूल रहने लगी थी। गजानन माधव मुक्ति बेदकी की दो रचनाओं के नाम? तो चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1960 में हुआ, बलिया यूपी में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए आपके पास में ये पद्यांश आ जाते हैं, गद्यांश आ जाते हैं और इनके साथ में आपके पास में जो आता है, देखिए स्वास्थ्य श्रेष्ठ धन है और समाज में नारी का महत्व, कंप्यूटर शिक्षा महत्व की समय की मांग। तो ये तीन आप निबंध और करिएगा, तो यानी कि टोटल मैंने आपको 5 से 7 निबंध ही बताए हैं, तकरीबन 16 निबंधों में से। ठीक है, मैंने 5 से 7 निबंध ही बताए, इनको बहुत अच्छी तरीके से गौर कर लीजिएगा।
और बाकी जो मैंने आपको बताया है पूरे पेपर का हल, उसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, पूरे पेपर का मतलब केवल सेक्शन ए में, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपको व्याख्याएं कौन कौन सी करनी है, व्याख्या कौन कौन से पाठों में से करनी है। तो एक्सप्लेनेशन आपको करनी है शमशेर बहादुर सिंह की उषा, कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर, आलोक धनवा की पतंग, फिराक गोरखपुरी, ये चार पाठ आप करते हैं पद्य में, ठीक है। और गद्य में आप केवल सीरीज के फूल कर लीजिए, बाजार दर्शन कर लीजिए, ये दो पाठ कर लीजिए, इनमें से एक व्याख्या जरूर आएगी। और आप ये चार पाठ करिए पद्य में, इन चारों पाठों में से आपके पास में व्याख्या जरूर आएगी। तो इतना कहना है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है आपको। इसके अलावा मैं आपको अगर अलंकारों में से क्वेश्चंस अगर बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी है कि यमक अलंकार और श्लेष में अलंकारों में भेद, उपमा उत्प्रेक्षा में भेद, ठीक है, और रूपक उत्प्रेक्षा में भेद, और उसके बाद में आपके पास में अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये अलंकारों की मुख्य क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब आज की जो इस पीडीएफ का मैं आपको कोड बताती हूँ कि आज की इस पीडीएफ का कोड है SHARDA Sharda 08। Sharda 08 ये करके आप सबमिट करेंगे तो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोगों की